ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप अध्याय 8 भगवत प्राप्ति श्लोक क्रमांक 11। यत् अक्षरम् वेदविदः वदन्ति विशन्ति यत् यतयः वीतरागाः यत् इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत् ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यत् जिस अक्षरम् अक्षर ओम को वेद विदः वेदों के ज्ञाता वदन्ति कहते हैं विशन्ति प्रवेश करते हैं यत् जिसमें यतयः बड़े बड़े मुनि वीतरागाः संन्यास आश्रम में रहने वाले सन्यासी यत् जो इच्छन्तः इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्यम् ब्रह्मचर्य का चरन्ति अभ्यास करते हैं तत् उस ते तुमको पदम पद को संग्रहेण संक्षेप में प्रवक्ष्ये मैं बतलाऊंगा। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जो वेदों के ज्ञाता हैं जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम में बड़े बड़े मुनि हैं वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षट चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं जिसमें प्राण को भवों के मध्य स्थिर करना होता है। यह मानकर कि हो सकता है अर्जुन को षट चक्र योग अभ्यास ना आता हो, श्री कृष्ण अगले श्लोकों में इसकी विधि बताते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओंकार ब्रह्म है। श्री कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अत्यावश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन यानी अविवाहित जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं,
किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान श्री चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्युतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यत्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। ये आठवें अध्याय के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण अष्टांग योग पद्धति से कैसे मुक्ति पद को प्राप्त किया जा सकता है इसका विवरण कर रहे हैं और उसकी तुलना जो शुद्ध भक्ति का मार्ग है उससे भी कर रहे हैं। तो जो आज का जो श्लोक है उसमें भगवान ने इससे पहले जो अर्जुन को एक संक्षेप में बताया इस विधि के विषय में, अभी कह रहे हैं कि मैं उसको थोड़ा और विस्तार से आपको बताऊंगा, क्योंकि ये विधि जटिल है और ये विषय भी बड़ा जटिल है। मुक्ति का विषय है, मोक्ष का विषय है, कौन रुचि लेता है मोक्ष के विषय में? बहुत कम। और जो लोग मोक्ष के विषय में रुचि लेते हैं उनमें से बहुत कम हैं जो वास्तव में इसमें आगे बढ़ पाते हैं, और जो आगे बढ़ते हैं उसमें से बहुत सारे फिसल जाते हैं, उनमें से बहुत थोड़े रह जाते हैं जो वास्तव में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए भगवद्गीता का जो विषय है वो राज ऋषियों के लिए है। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षवाकवे ब्रवीत। ये सब बड़े बड़े राज ऋषियों के बीच में होने वाली चर्चा है, बड़े बड़े सन्यासियों ज्ञानियों के बीच में होने वाली चर्चा है, क्योंकि विषय वस्तु ही ऐसी है। तो सामान्य रूप से हम देख सकते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति रेश भूतानाम, ज़्यादातर लोग जो हैं स्वभाव से इस भौतिक जगत में सुख ढूंढते हैं और सुख के लिए प्रयास जीवन भर करते रहते हैं। उनको दुख तो मिलते रहते हैं लेकिन उनके अंदर कभी भी ये श्रद्धा नहीं बैठती है कि इस भौतिक जगत में सुख के प्रयास करना बेकार है, विफल है, और हमें इसलिए इस भौतिक जगत से परे जाना चाहिए, आध्यात्मिकता को प्राप्त करना चाहिए। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ऐसा विचार पूरे जीवन भर भी कभी करते होंगे, और विशेष रूप से वर्तमान समय जिसमें हम जी रहे हैं उसमें तो ऐसा कोई प्रशिक्षण ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं ऐसा एक भी संस्थान नहीं है जहाँ पर विद्यार्थियों को बचपन से ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता हो, बल्कि आज सारा उल्टा प्रशिक्षण है।
ब्रह्मचारी रहना आज यूटोपियन आइडिया है। ब्रह्मचारी स्त्री पुरुष आपस में इस प्रकार से आज भूलते मिलते हैं कि कहीं पर भी ब्रह्मचर्य इत्यादि का तो कोई नामो निशान नहीं है। और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए जो एक सामान्य विधि है उसके अंतर्गत ये ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना बड़ा महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक जीवन है क्या, अध्यात्म क्या मतलब क्या है, ये सब शब्द भी अभी लुप्त प्राय हो गए हैं। आध्यात्मिकता का यदि लोग मांग कुछ सोचते भी हैं, आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिज्म, तो सामान्य रूप से उससे लोग क्या सोचते हैं, कुछ एक ऐसी चीज जिससे स्ट्रेस, जो भौतिक जगत में रहते हुए बहुत स्ट्रेस होती है, उससे थोड़ा रिलीफ हो जाएगा, स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी एक स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस रिलीफ का एक उपाय मात्र रह गया है। थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगी और फिर हम दोबारा से अपना कार्य कर सकेंगे इस जगत में, जो हमें आगे बढ़ना है, भोग करना है, उसके लिए ये स्पिरिचुअलिटी केवल एक माध्यम बन के रह गई है। लेकिन वास्तव में अध्यात्म क्या है, ये सब विषय इस अध्याय में विशेष रूप से अर्जुन के द्वारा पूछे गए। किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है, तो मोबाइल के ज़माने में अध्यात्म की चर्चा करना बड़ा अटपटा है। कहाँ एक ऐसा जीवन जहाँ क्षण क्षण में हमें कभी भी कोई बुला सकता है, और कहाँ एक ऐसा जीवन जहाँ लोग हिमालय पर जा करके एकाग्र चित्त हो करके चिंतन करते थे। अभी तो 5 मिनट के लिए भी एकाग्र हो के हम चाहें तो भी हमको हमारा मोबाइल बैठने नहीं देगा। और ऐसे समय में हम अभी अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं जहाँ सबके पास कम से कम एक मोबाइल है। तो और परंपरागत तरीके से आध्यात्मिक विषय जो होता था वो तो सन्यासियों के लिए होता था। स्त्रियां और सामान्य पुरुष भी, गृहस्थ जो गृहस्थी में हैं, तो उनके लिए धर्म पालन, उससे आध्यात्मिक प्रगति होती है, नो डाउट। लेकिन मुक्ति प्राप्त करने के लिए उनको और आगे जाना पड़ता था। मुक्ति प्राप्त करने के लिए सामान्य जो विधि थी वो यही थी, संन्यास लो। इसलिए आजकल भी आप देखिए तो जो थोड़ा सा गंभीर है अध्यात्म के विषय में, वो लोग इस तथ्य को समझते हैं कि अगर आध्यात्मिक प्रगति करनी है, मुक्ति प्राप्त करनी है, तो उसके लिए तो संन्यास लेना होगा। ये कुछ हद तक विचार जो लोग थोड़ा सा कुछ गंभीर प्रैक्टिशनर्स हैं उनके अंतर्गत है। ज़्यादातर लोग तो छद्म है, ढोंगी है, उसमें तो स्पिरिचुअलिज्म के नाम पर हंसना है और मन खोल करके, और वही अध्यात्म है। और बहुत सारे न्यू आजकल के नए आधुनिक परिभाषाएं हैं, योग शब्द की परिभाषा, अध्यात्म की। लेकिन जो लोग गंभीरता से आध्यात्मिक जीवन के विषय में सोचते हैं तो यही समझ है कि हाँ, गृहस्थी में रह करके ये सब काम नहीं होते हैं। ये सब तो तभी होंगे जब सब छोड़ छाड़ के चले जाओ, छोड़ दो सब, ये एक सामान्य विचार। तो ये वास्तव में सही है, परंपरागत तरीके से मुक्ति जो पद है, मुक्ति, उसके लिए तो राग, इस संसार से राग छोड़ना होता है। इसलिए यहाँ पर भी बताया कि वीतरागा, जिन्होंने समस्त भौतिक जगत की आसक्तियों को छोड़ दिया है। तो भौतिक जगत में हमको बहुत प्रकार की आसक्तियाँ होती हैं, मकान से आसक्ति होती है, गैजेट्स से आसक्ति होती है, आजकल स्मार्टफोन से बहुत आसक्ति है, फिर परिवारजनों से आसक्ति होती है, माता पिता, पत्नी पति, बच्चे, धन, मित्रगण, ये सब से हमारी आसक्ति होती है।
प्रतिष्ठा, समाज में प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ से हमारी आसक्ति होती है। सब लोगों का जीवन तो इन आसक्तियों से प्रेरित होकर के तो बीतता है। सब लोगों के अंदर प्रेरणा का स्रोत क्या है, सब लोग क्यों दिन भर काम करते हैं, ये जो उनकी आसक्तियाँ हैं वो उनको प्रेरित करती हैं, आसक्तियाँ ही प्रेरित करती हैं। लेकिन जब तक ये आसक्तियाँ रहती हैं तब तक हम इस भौतिक जगत में भी बंधे रहेंगे। इसलिए जो आसक्तियाँ हैं वो हथकड़ी की तरह से हैं या पैरों की कड़ी की तरह से हैं, जो हमें इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में बांध के रखती हैं। क्योंकि जब हमारी इस भौतिक जगत में आसक्ति होती है तो इसका मतलब हमारे हृदय में अलग अलग प्रकार की भौतिक इच्छाएं हैं। आसक्तियों से क्या होता है, इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं आती हैं। अगर हमें आसक्ति है अपने परिवारजनों में तो हमारी इच्छा होगी कि हम कैसे उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहें। तो ये जो भौतिक इच्छाएं हैं इसके इससे प्रेरित होकर के फिर हम सकाम कर्म करेंगे, कुछ भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए कार्य करेंगे। और जब ऐसे हम कार्य करते हैं भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए तो उससे एक कर्म फल बनता है। वो कर्म फल को भुगतने के लिए हमें एक और शरीर प्राप्त करना पड़ता है। इस तरह से कर्म बंधन बनता है। यावत् क्रियास्तावत् इदं कर्मात्मकं येन शरीर बंधा। जब तक हमारे हृदय में ऐसी भौतिक इच्छाएं रहती हैं, आसक्तियाँ रहती हैं, तब तक हम कर्म बंधन में फंसे रहते हैं। तो ये एक सामान्य विज्ञान है। जब तक इस भौतिक जगत में हमारी भौतिक आसक्तियाँ हैं तब तक हम सकाम कर्म करते रहेंगे। जब तक हम सकाम कर्म करते रहेंगे तब तक हमारे कर्म फल का बंधन बना चलता रहेगा और वो बंधन हमें इस भौतिक जगत में बांधे रखेगा। इसलिए ये एक भाग है जो ज़्यादातर लोग हैं, इसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। इसी भौतिक जगत में ही रहने वाला मार्ग, प्रवृत्ति, इस भौतिक जगत में रहना है, वो है आसक्तियों वाला मार्ग। इससे दूसरा मार्ग है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति जिसमें भौतिक जगत में भोग इत्यादि कई कई जन्मों में करके जब व्यक्ति इनसे ऊब जाता है कि ये भौतिक जगत में तात्कालिक भोग है लेकिन ये सब व्यर्थ है क्योंकि तात्कालिक है, अनित्य है, तो वो व्यक्ति अभी मुक्ति की कामना करता है, भोग नहीं करना है, ये भौतिक जगत से ही निकल जाना है, मुक्ति की कामना करता है। तो जब मुक्ति की कामना कोई करता है तो परंपरागत तरीके से उसे उस समय संन्यास लेना चाहिए। संन्यास के बिना मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। कर्म संन्यास, सारे कार्यों को छोड़ो और सब कुछ छोड़ करके चले जाओ। इसलिए आज भी सबके दिमाग में ये बात है, कोई भी आध्यात्मिक जीवन मतलब संन्यास। तो उसके विषय में यहाँ पर वर्णन चल रहा है कि ये उससे क्या प्राप्त होता है और उसकी विधि क्या है, ये चर्चा चल रही है। तो क्या प्राप्त होता है, यत् अक्षरम वेद विदो वदन्ति। जो जहाँ जाना है वो मुक्ति पद वो क्या है, उसको अक्षर कहते हैं। अक्षर, क्षर और अक्षर। क्षर मतलब जो इस भौतिक जगत से संबंधित है और अक्षर मतलब जो इस भौतिक जगत से परे है। तो एक भौतिक जगत है और इस भौतिक जगत से परे भी है, ये भौतिक जगत ही सब कुछ नहीं है। अव्यक्त अक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिं यद गत्वा नानिवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। भगवद गीता में ये सब जानकारी दी है लेकिन अगर कोई पढ़े तो ये भौतिक जगत से परे न यद् भास्यते सूर्य न शशांको न पावकः यद् गत्वा निवर्तन्ते तद् धाम। ये सब जहाँ पर सूर्य, चंद्र, ये सब का प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, जो इन सब से परे स्थान है
उसको आध्यात्मिक जगत कहते हैं। वहाँ पर अधि आत्मा, वहाँ पर केवल आत्मा परमात्मा उन्हीं का वास होता है, शरीर नहीं होता है, भौतिक वस्तुएं नहीं होती हैं, ऐसा जगत है। इसलिए वहाँ पर जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी नहीं होता है, क्योंकि जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी तो शरीर से संबंधित है, आत्मा का तो बुढ़ापा बीमारी। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताए कि आत्मा का न जायते कभी जन्म नहीं होता है, न म्रियते कभी मरण भी नहीं होता है। तो ये आध्यात्मिक जगत है जिसमें कोई भौतिक पदार्थ ही नहीं है, सब आध्यात्मिक है, हर चीज चेतन युक्त है, ऐसे जगत की बात हो रही। तो उसको अक्षर कहते हैं क्योंकि वो इस भौतिक जगत से परे का स्थान है, और उसको अव्यक्त भी कहते हैं क्योंकि हमारी इंद्रियों के द्वारा हम उसको देख नहीं सकते हैं, उसके लिए आध्यात्मिक इंद्रियां चाहिए। जो आत्मा है, हम हैं, हमारी स्वाभाविक स्थिति है कि हमारे अंदर आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं। तो शास्त्रों के अंदर मनुष्य के लिए ये बताया गया है कि उसका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकले और उस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करे। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यम दुर्लभ अनित्यम अति अपीह धीरा तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावन निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। तो ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसका लक्ष्य जो शास्त्र में बताया गया है वो इस जन्म मृत्यु के चक्र के इस भौतिक संसार जो हमारे लिए कारागार की तरह है उसको, उससे निकल कर ये यहाँ पहुँचना है, अक्षर इस जगह पे पहुँचना है, वही हमारा घर है। पहुँचना मतलब ऐसा नहीं कोई नई जगह जाना, हम तो वहीं पे ही वहीं के ही वासी हैं, ये तो जेल में आ गिर गए हैं जिसको अभी हम अपना मान बैठे हैं, इतने समय से यहीं पर हैं कि जेल भी घर जैसा बना लिया हमने। जैसे उदाहरण दिया है कि एक मल का कीड़ा होता है, उसको अगर मल से बाहर निकालेंगे तो भी वापस मल में जाएगा। तो उसी प्रकार से हम सभी की ऐसी स्थिति है कि हम इस भौतिक जगत से निकलना नहीं चाहते हैं, इतना अधिक कष्ट भुगतते हैं, इतने सारे चिंताएं, लेकिन फिर भी अगर हमें कोई कहे कि एक और जगत, एक और स्थिति है जहाँ पर ये सब कष्ट नहीं है, तो हम फिर भी वहाँ जाने के लिए उत्साही नहीं होते हैं। नहीं ठीक है, चल जाएगा, यहीं पर थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेंगे। हम सब लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं इस जगत के अंदर एडजस्टमेंट करने का, थोड़ा सा दुख हो गया उसको फाइन ट्यून थोड़ा सा कम हो जाए, ऐसे हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन शास्त्र हमें क्या कहते हैं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरम निबोधता। अरे मूर्ख उठो, उत्तिष्ठ जागृत जागो, प्राप्य वरम निबोधता, परम वर महान अवसर तुम्हारे लिए है, क्यों ये सड़ रहे हो यहाँ पर थोड़े से चपल सुख के लिए। महान अक्षर सुख, ऐसा सुख जो कभी खत्म नहीं होता, ब्रह्म सुख, उसके तुम हकदार हो, तो उसको क्यों प्राप्त नहीं करते, वही तुम्हारी वास्तविकता है। क्यों ये चपल सुख, इंद्रिय भोग का सुख क्या है, चपल सुख है, बहुत थोड़े समय के लिए रहता है। कोई भी आप भौतिक जगत का सुख देख लीजिए, आज है कल नहीं है, आज पूरे दिन भी नहीं रहेगा, चपल थोड़े समय। तो ऐसा सुख कभी भी आत्मा को संतुष्ट नहीं करता है, और उस सुख के साथ में अनेक अनेक विपदा आती हैं, बहुत सारे दुख साथ साथ आते हैं। तो इसलिए शास्त्रों में निर्देश है कि मनुष्य को चाहिए कि वो मुक्ति के लिए प्रयास करे। ये सभी शास्त्रों का, ये शास्त्रों का सामान्य निर्देश है हम सभी के लिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, अभी आगे रास्ता बताया है, यतया वीतरागाः, उसके लिए भौतिक आसक्तियों से निकलना होगा, अनासक्त होना होगा। उस अनासक्ति के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी आसक्ति इस भौतिक जगत में है स्त्री और पुरुष के बीच की आसक्ति, वही आसक्ति बाकी सारी आसक्तियों का मूल है। पुंस स्त्रिय मिथुनि भावमेतन तयो हृदय ग्रंथि आहुर अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तय जलस्य मोहो अहम अयम अहम ममेति। शास्त्रों में कहा है कि जब एक स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे के प्रति आसक्त होते हैं तो उनका इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति बहुत गहरी हो जाती है, ग्रंथि की तरह से गहरी हो जाती है।
उसी के बाद फिर गृह सुत घर बार सुत बच्चे गृह सुत आप्त परिवारजन वित्तई ही पैसा ये सब में उसकी आसक्ति तभी प्रगाढ़ होती है जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। इसलिए समाज में सामान्य प्रथा है सब युवावस्था प्राप्त करने पर विवाह होता है और विवाह के बाद संसार वो सब एक के बाद एक गृहस्थी बनती है फिर घर बार और सब कुछ। जब तक विवाह का आयोजन नहीं होता है तब तक ये सब घर जॉब ये सब चीज़ें सेट नहीं होती हैं सब करेक्ट क्योंकि उसके लिए कोई प्रेरणा नहीं है। इसलिए सामान्यतया अगर कोई विशेष रूप से पुरुष गैर जिम्मेदार है तो माता पिता क्या कराते हैं इसकी शादी करा दो जिम्मेदार बन जाएगा करेक्ट। कॉमन साइकोलॉजी है बहुत सही साइकोलॉजी है क्योंकि विवाह के बाद उसको जिम्मेदारियां दिखने लगती हैं क्योंकि उसकी जो आसक्तियां होती हैं उससे वो भी उन जिम्मेदार बन जाता है। हाँ आजकल के वर्तमान समय में लोग विवाह करते हैं और गैर जिम्मेदार रहते हैं वो तमोगुण की वजह से शादी किया छोड़ दिया इधर उधर कुत्ते बिल्ली की तरह से घूमते रहते हैं तो वो तो सभ्य जीवन नहीं है वो तो पाश्विक जीवन है। लेकिन जो सभ्य जीवन है उसके अंतर्गत विवाह के उपरांत व्यक्ति बड़ा जिम्मेदार हो जाता है। तो इसीलिए ये जो स्त्री पुरुष आकर्षण है इसको नियंत्रित रखा गया है शास्त्रों के अंतर्गत बहुत कड़ाई से। इसीलिए कम से कम जीवन के आरंभ में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का निदान है करने की संस्तुति है सभी के लिए। इसलिए गुरुकुल हुआ करते थे गुरुकुले वसंदांतो गुरोरितम ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतो गुरोरितम ब्रह्मचारी गुरुकुल में गुरु के हित के लिए ही रहता था वसंदांतो इंद्रियों का दमन करते हुए। तो गुरुकुल में केवल लड़के ही जाते थे लड़कों के लिए ही गुरुकुल होता था कन्याओं की शिक्षा अलग होती थी घर में होती थी उनकी शिक्षा ऐसा नहीं कि उनकी शिक्षा नहीं होती थी उनकी शिक्षा का विषय अलग था और उनकी शिक्षा का स्थान अलग था और उनकी शिक्षाओं की का तरीका अलग था। उसका उद्देश्य ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि स्त्रियों के लिए शास्त्रों में समाज के अंदर उनका अलग कार्य है पुरुषों का अलग कार्य है इसलिए उनका विषय अलग है शिक्षा का सबको एक जैसी शिक्षा नहीं थी और स्थान भी अलग था। स्त्रियों का शिक्षा का स्थान विद्यालय या गुरुकुल नहीं थे उनका स्थान घर था घर के अंदर। तो इसके कारण इसका एक महत्वपूर्ण योजना थी कि स्त्री पुरुष आपस में मिले नहीं इसलिए वैदिक संस्कृति के अंतर्गत विवाह से पहले पुत्री पिता के संरक्षण में रहती है विवाह के उपरांत पति के संरक्षण में और पति जब संन्यास लेता है तो अपने पुत्र के संरक्षण में रहती है। इस तरह से वैदिक समाज के अंदर ये नियम शास्त्रों के द्वारा लाए जाते थे। उसका एक महत्वपूर्ण कारण था कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन सभी लोग कर पाए क्योंकि जब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होगा तो ये कि ये जगत दुखालयम है हमें इससे निकलना है ये आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाशित होगा हृदय में इसको ये समझ में आएगा और संभव होगा कि हम इस जगत की आसक्तियों से निकल पाएंगे। इसलिए सबको कम से कम पहले जीवन के पहले सोपान में ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन सब करते थे जिससे कि फिर जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो गृहस्थ आश्रम प्रवेश करने पर भी अनावश्यक रूप से आसक्त नहीं होते हैं और फिर समय आने पर वानप्रस्थ ले पाते हैं और फिर संन्यास ले पाते हैं। लेकिन जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया है तो वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं कर पाता है वो गृह मेधी बन जाता है वो स्त्री और पुरुष वो केवल इंद्रिय भोग के लिए जीवन जीते हैं इसलिए उसको गृह मेधी जीवन कहा गया है शास्त्र में गृहस्थ आश्रम कहा गया है। आश्रम मतलब जहाँ आध्यात्मिक प्रगति लक्ष्य हो इसलिए गृहस्थ को आश्रम कहा गया है और जो स्त्री पुरुष केवल इंद्रिय भोग करने के लिए साथ में रहते हैं उसको गृह मेधी कहा गया है।
इसलिए वैदिक संस्कृति में उसको बड़ा तिरस्कृत किया गया है, जहाँ गृह निधि जो है, और गृहस्थ आश्रम क्योंकि उसमें भी आध्यात्मिक प्रगति लक्ष्य है इसलिए उसकी भी संस्तुति है। लेकिन गृहस्थ आश्रम के बाद अगर किसी को मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसको वानप्रस्थ, उसको एक समय आने पर वन में जाना होता है, और उसके बाद अंत में कुछ लोग संन्यास ग्रहण करें जिसमें कि पत्नी और सबको, सब उसके लिए एक तरीके से सोशली डेड, सामाजिक दृष्टि से वो मर गया ऐसा, और वैराग्य का जीवन, और केवल चिंतन परम सत्य का। तो ये यहाँ पर इसका वर्णन है, यदि छंतो ब्रह्मचर्यम वदंती चरंती तत्ते पदम संग्रहेण पुरुष। और यदि कोई इस प्रकार से जीवन पूरा व्यतीत करता है तो फिर उसको मुक्ति पद प्राप्त होगा। अभी मुक्ति पद भी अलग अलग स्तर पे हो सकता है। मुक्ति का सामान्य अर्थ है जहाँ पर भी हम इस भौतिक जगत को छोड़ करके आध्यात्मिक स्थान में जहाँ प्रवेश करते हैं उसको मुक्ति, वहाँ से वो सब मुक्ति के, मुक्ति वहाँ से शुरू होती है जहाँ पर भी इस भौतिक जगत से हम परे जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहाँ जाने के बाद वापस पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता। ये है मुख्य अंतर। इस भौतिक जगत में हम कोई भी योनि में जाएंगे, हम स्वर्ग लोक भी जाएंगे, हम ब्रह्म लोक में भी जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, लेकिन वहाँ पर आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। इस भौतिक जगत में सबसे ऊंचा लोक ब्रह्म लोक है, जहाँ ब्रह्मा जी का वास निवास स्थान है। स्वर्ग लोक से भी और ऊपर 14 अलग अलग स्ट्रेटा हैं ग्रहों के, उसमें सबसे जो ऊपर है वो ब्रह्म लोक है। तो ब्रह्म लोक से लेकर के पाताल लोक तक सब जगह पर पुनरावर्तन है, पुनर्जन्म है। तो मुक्ति अर्थात इस ब्रह्मांड को भेद करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना, तो बहुत बड़ा कार्य है, उसको मुक्ति कहते हैं। किंतु उस मुक्ति के अंतर्गत भी एक प्रकार की मुक्ति है जिसमें एक हम केवल एक ब्रह्म ज्योति में लीन हो सकते हैं। ब्रह्म ज्योति क्या है? आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक प्रकाश, जैसे इस भौतिक जगत में सूर्य ऐसे प्रकाश होता है, ऐसे आध्यात्मिक जगत में जो सभी ग्रह हैं और सभी के जो सभी आत्माएं हैं और भगवान का जो दिव्य रूप है, उन सब से जो प्रकाश निकलता है उसको उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो वो ब्रह्म ज्योति, उसमें भी चेतना है, उस ब्रह्म ज्योति में भी चेतना है। ये थोड़ा सा समझने मुश्किल है क्योंकि सामान्य रूप से हम देखते हैं लाइट होती है तो उसमें कोई चेतना नहीं होती है, हम उसकी अपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति वहाँ पर कोई भौतिक तो है ही नहीं, वहाँ हर चीज़ चेतन युक्त है, इसलिए वहाँ पर चेतना है, वो चेतन मात्र है वो ब्रह्म। और वहाँ पर मुक्ति जो, ये जब ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हैं और राग इत्यादि से मुक्त हो जाते हैं, वे लोग उस ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर पाते हैं और फिर वापस इस भौतिक जगत में उनको नहीं आना पड़ता है। लेकिन उसके भी आगे इस एक और आगे जो वहाँ पर जो वैकुंठ लोक हैं, जैसे इस भौतिक जगत में अलग अलग ग्रह हैं, अलग अलग आप नक्षत्र तारे देखते हैं रात में, ऐसे आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक लोक हैं, अलग अलग वैकुंठ लोक हैं बहुत सारे। फिर अयोध्या जो यहाँ पर अयोध्या है, वैसे ही आध्यात्मिक जगत में रियल ओरिजिनल जो यहाँ पर जो अयोध्या है वो उसका एक एक्सपेंशन है, विस्तार है ना, मूल रूप में वहाँ पर है। उसी प्रकार से वहाँ पर मथुरा है और वहाँ पर वृंदावन है। तो ऐसे लोक हैं, गृह हैं, ग्रह हैं, और ऐसे ग्रह में साक्षात हम वहाँ पर भगवान रहते हैं और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो रहते हैं। तो मुक्ति पद में सर्वश्रेष्ठ मुक्ति पद है मुक्तिर हितन्यथा रूपम स्वरूपेणा व्यवस्थिति ही। मुक्ति में सर्वश्रेष्ठ पद है केवल ब्रह्म ज्योति को प्राप्त न करना, बल्कि उसके और आगे ऐसे किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करना, और वैकुंठ लोक में प्रवेश करके वहाँ पर जो भगवान हैं उनके साथ नित्य उनकी सेवा में रत होना, वो सर्वश्रेष्ठ प्रकार की मुक्ति है। उसको इसलिए उसको मुक्ति नहीं कहते हैं, उसको प्रेम कहते हैं, भगवत प्रेम, जहाँ पर भक्त जो हैं भगवान की सेवा करते हैं प्रेमवश। तो वो पद प्राप्त करना सर्वश्रेष्ठ है, मुक्तियों में वो सर्वश्रेष्ठ है। तो अभी यहाँ पर जो सब ये वर्णन चल रहा है वो लगता है कि बड़ा कठिन है ये सब करना, है ना। जैसे हमने वर्णन किया कि आजकल के विशेष इस युग में तो
एक घंटे बिना मोबाइल के बैठना भी बहुत बड़ी ऑस्टेरिटी लगती है। और यहाँ पर जो वर्णन है, जिस प्रकार से सारी आसक्तियों को त्यागना है, यानी कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए तो ये सब प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। और यहाँ पर तो हम सभी, अधिकतर जो लोग हैं वो सब गृहस्थ हैं, स्त्रियाँ हैं, माताएँ हैं, पुरुष हैं, तो फिर क्या ये इररिलेवेंट है? ये सब जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए बेकार की बातें हैं, केवल ये बस लिखा हुआ है। तो इसलिए आपने अगर ध्यान दिया हो तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो परम पद है, ये जो कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम या आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करना है, इसके लिए वर्तमान समय में कलयुग के लिए शास्त्रों में भगवान ने ऐसा तरीका दिखाया है जो हम सबके लिए करना संभव है। हम सबके लिए ये ब्रह्मचर्य व्रत बचपन से पालन करना संभव नहीं है, आजकल किसी के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन तो फिर क्या हमारे लिए आज मुक्ति का मार्ग बंद हो गया है? क्या आज जन्म मृत्यु के चक्र से कोई नहीं निकल सकता है? क्या आज भगवान को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है? क्या उत्तर है? कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते होते तो फिर हम ये संस्था क्यों खोल के बैठे? भगवद गीता केवल सत्युग के लिए नहीं है, भगवद गीता हर युग के लिए है। शास्त्र हर युग के जीवों को मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन युग के अनुसार तरीका थोड़ा बदलेगा। इसलिए कृते तो ध्यायतो विष्णु, जो सत्युग था उसके अंतर्गत ये जो विधि का वर्णन है यहाँ पर, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना और सभी राग से मुक्त होकर के और चिंतन करना, भगवान के रूप के ऊपर चिंतन करना, वो सत्युग के अंदर संभव था। कृते थे ध्यायतो विष्णु, ध्यान करना, ध्यान योग, वो सत्युग के लिए संभव था। त्रेतायाम यज्ञो मखई, और त्रेता युग उसके बाद जो आया उसमें बहुत बड़े बड़े वैदिक संस्कार, यज्ञ इत्यादि करना, वो विधि थी आध्यात्मिक प्रगति के लिए। और द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में अर्च विग्रह, बड़े भव्य मंदिर बना करके उसमें अर्च विग्रह की भव्य सेवा, वो द्वापर युग का तरीका था। कलौ तद हरि कीर्तनात्, और कलयुग का जो तरीका है भगवत प्राप्ति का, वो क्या है? किसका कीर्तन? कली कीर्तन, हरि कीर्तन, नॉट कली कीर्तन। कौन सा कीर्तन? हरि कीर्तन। कीर्तन तो कहीं भी आप जाएंगे, कोई भी धार्मिक संस्था में, वहाँ कुछ मंजीरा होगा कॉमन सब जगह, ठीक है, कुछ प्रकार का गान होगा, ठीक है, लोग ऐसे इकट्ठा होंगे, तो वो कॉमन है। तो कीर्तन मतलब बहुमिलित्वा, मिल करके जब हम गुणगान करते हैं किसी का तो उसको बोलते हैं कीर्तन। लेकिन हमें किसका कीर्तन करना है वो इम्पोर्टेंट है। साईं बाबा का कीर्तन भी होता है, लेकिन शास्त्रों में किसके कीर्तन करने से भगवत प्रेम प्राप्त होगा? हरि कीर्तन करने से, और कोई कीर्तन नहीं। शृण्वताम स्वतः कृष्ण, किसका श्रवण कीर्तन करना है? कृष्ण। मुक्तिर प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशयः, मुक्ति प्रदाता केवल भगवान श्री कृष्ण है, विष्णु है। तो इसलिए इस कलयुग के लिए ऐसी विधि भगवान, मतलब कलयुग के लिए जो विधि है वो बाकी युगों में भी थी, ऐसा नहीं कि ये बाकी युगों में कीर्तन नहीं होता था। प्रह्लाद महाराज जो हैं, तो प्रह्लाद महाराज तो हमेशा भगवान का कीर्तन करते थे, नारद मुनि हमेशा भगवान का कीर्तन करते हैं, तो इसलिए ये विधि हमेशा से थी। लेकिन बाकी युगों में अन्य विधियों से भी संभव था मुक्ति प्राप्त करना, इसलिए लोगों के पास हजारों साल आयु थी, है ना, और एकाग्र होकर के बैठ सकते थे। आज तो हम एक घंटा बैठेंगे तो कमर में दर्द हो जाएगा हमारी, करेक्ट, तो बैठ सकते थे और इतनी तपस्या कर सकते थे, लेकिन आजकल के वो शरीर नहीं है तो इसलिए वो आज संभव नहीं है। उस समय वो संभव था तो लोग उसको करते थे, हाँ उसको करते थे मुक्ति प्राप्त कर। लेकिन उन सब विधियों से
मुक्ति प्राप्त होती थी, लेकिन जो कृष्ण प्रेम है उसके लिए तो भक्ति ही करनी होती थी हमेशा से। लेकिन वर्तमान युग में क्या है, अन्य सारी विधियों से तो कोई प्रगति होने वाली नहीं, क्योंकि अन्य विधियाँ ही संभव नहीं है। जैसे ध्यान योग, क्या ध्यान करेंगे हम, इतना कचड़ा अंदर घुसा हुआ है कि आप कुछ भगवान पे ध्यान करना चाहेंगे तो वो जो कचड़ा अंदर है उसी के ऊपर ही ध्यान चलता रहेगा। हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं, चारों तरफ से इतना बॉम्बार्डमेंट है इंद्रिय भोग के विषयों का, इतने सारे बिलबोर्ड्स हैं, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट्स हैं भोग करने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए, और वो सब कचड़े के रूप में हमारे मस्तिष्क के अंदर, चेतना के अंदर घुसे हुए हैं। तो अगर हम ध्यान आग बंद करते हैं तो वो सब चीज़ें दिखने लगती हैं। करेक्ट। क्योंकि आग जब खोल कर रखते हैं तो बाहर के विषय दिखते हैं, आग बंद करते हैं तो बाहर का टीवी बंद होता है तो अंदर का टीवी चालू हो जाता है, और अंदर तो बहुत सब कचड़ा है, तो इसलिए सब ध्यान करना बड़ा मुश्किल है। और फिर त्रेतायाम यज्ञो मखई, त्रेता युग में बताया यज्ञ संपन्न करने। अभी यज्ञ संपन्न करने के लिए तो घी चाहिए, गाय का शुद्ध शुद्ध घी है ना, आजकल क्या बोलते हैं, शुद्ध गाय का घी। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे मार्केट में, शुद्ध गाय का घी। तो कौन सा घी क्या घी कोई पता नहीं। और यज्ञ करने के लिए मंत्रोच्चारण, तो मंत्र सही से उच्चारित होने चाहिए। आजकल किसी को भगवद्गीता का एक श्लोक भी याद करना मुश्किल होता है ना, क्या मंत्र उच्चारण करेंगे। और मंत्र उच्चारण सही से करने के लिए सतोगुण और उस प्रकार की तपस्या चाहिए, तो वो भी नहीं है। आजकल जो सब यज्ञ करते हैं तो बहुत से तो पंडित लोग स्कूटर पे जाते हैं, पैंट शर्ट, फिर वहाँ पर जाके धोती कुर्ता बदलते हैं, और फिर बाकी टाइम में और भी बहुत सारे जॉब भी करते हैं, अपना सब भी करते हैं, और फिर पौरोहित्य का काम भी करते हैं। करेक्ट। ऐसा समय आ गया है, क्या करें, अगर वो केवल पौरोहित्य काम करेंगे तो उनके परिवार भी नहीं पाल पाएंगे, ऐसा भी होता है, बहुत कुछ हैं। और बहुत सारे बताए गए हैं शास्त्रों में, ब्राह्मण को अपनी जीविकोपार्जन, उसको लोभी नहीं होना चाहिए, जो मिल जाए संतुष्ट। आजकल ऐसा करेंगे तो कोई देगा भी नहीं पहले तो कुछ भी। करेक्ट। तो बहुत मुश्किल है, तो यज्ञ संपन्न करना मुश्किल है, और अर्च विग्रह सेवन करना ही बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत भव्य आयोजन चाहिए। इसलिए कलयुग के लिए जो चीज़ संभव है बड़ी आसानी से उपलब्ध है, लेकिन उससे परिणाम, उसके लिए ये मुक्ति पथ तो उसका अनुसंगिक फल है, मुक्ति पथ तो उसके लिए अनुसंगिक फल है। संसार विमोचन अनुसंग फले करे संसार मोचन, ये हरिनाम से हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, और उसके साइड इफेक्ट अनुसंगिक फल के रूप में संसार का खत्म, ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है वो तो बोनस में मिलता है फ्री में, है ना। तो ये संकीर्तन यज्ञ जो है ये इस कलयुग का युग धर्म है, और ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिखाया है। हररनाम 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 केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिर अन्यथा। इस कलयुग में ये सब जो विधि हम पढ़ रहे हैं ये सब कलयुग के लिए संभव नहीं है, और ये जो विधि है संकीर्तन ये सबके लिए खुली है, इसमें बच्चा भी भाग ले सकता है। आप देखिए हमारे यहाँ बच्चे भी नाचते हैं, देखा आपने, वो जो हिमालय पर तपस्या करने वाले योगी से ज़्यादा उन्नत हैं। आजकल के समय में जो योगी जाते हैं तो वो क्या तपस्या मन में क्या सोचते होंगे, क्या तपस्या करते होंगे, है ना, संभव नहीं है। लेकिन ये कीर्तन में, हरि कीर्तन में एक छोटा सा बच्चा जो नाचता है वो ज़्यादा आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त कर रहा है उस नाचने से, कंपेयर टू वनस्पति उसके जो कोई यज्ञ कर रहा है, नौचंडी यज्ञ इत्यादि, या कोई भी यज्ञ है, या कोई भी कुछ और कर रहा है उससे। इवन जो यहाँ पर घंटी बजी है, इस घंटी को जो बजा रहा है ना, वो ज़्यादा प्रगति हो रही है सिर नीचे और पैर ऊपर करके जो योग साधना करने का प्रयास कर रहे हैं उससे, सीधे सीधे खड़े होकर घंटी बजेगी ज़्यादा प्रगति होगी।
वो जो यहाँ प्रसाद हम लोग ले रहे हैं जो भगवान को अर्पित है, वो जो गुलाब जामुन या जो भी हलवा जो भी हम खा रहे हैं, उससे ज़्यादा प्रगति हो रही है वो तपस्या करने के लिए जो फीका खाना खाते हैं, हमें फीका खाना खाना है, उससे ज़्यादा प्रगति यहाँ पर हलवा जो भगवान को अर्पित है वो वाला है ना, बाहर वाला नहीं, ठीक है, उसको ग्रहण करने से ज़्यादा आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। सो आध्यात्मिक प्रगति मेड इजी, आध्यात्मिक प्रगति आसान बनाएगी, लेकिन मुश्किल इसमें एक ही है बस। वो क्या मुश्किल है कि भगवान को शरणागत होना है। भगवान हम आपके दास हैं, हमें सेवक बनाइए, ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए योगी जन जो हैं तपस्या कर लेते हैं, लेकिन ये अहंकार नहीं छोड़ते हैं। हमको तपस्या करनी है किस लिए, हमें योग सिद्धि प्राप्त हो जाए, संसार में हमारा नाम हो जाए। जब ये होता है ना कुंभ मेला, तो आप देखिए बड़े बड़े योगी आते हैं वहाँ पर सब ये प्रदर्शन करने के लिए, देखो हमारी जटा कितनी बड़ी, 10 मीटर लंबी जटा, तुम्हारी है नहीं है, हम बड़े, हमारी तपस्या ज़्यादा बड़ी है, तो अहंकार है ना। लेकिन यहाँ पर ये मंदिर में या जो संकीर्तन है उसका केंद्र क्या है कि हम भगवान के दास हैं। ये जो हरे कृष्ण कीर्तन है, हरि कीर्तन है, उसका प्राण क्या है, भगवान हम आपके दास हैं, हम अपनी सेवा में लगाइए, है ना। तो ये इतना जो कर लेगा, जिसकी समझ में ये आ गया कि अभी मुझे मालिक नहीं बनना है, मालिक बन करके बहुत देख लिया, बहुत जीवन में हमने मालिक बन के देख लिया, अभी हमें भगवान का दास बनना है, इस प्रार्थना के साथ जो हरि को पुकारेगा, जो भगवान को पुकारेगा, ये हरे कृष्ण क्या है, ये पुकार है, प्रार्थना है भगवान से। हे श्री कृष्ण, हे भगवान की अंतरंग शक्ति, कान पकड़ करके अभी हम सब आपसे स्वतंत्र होने के प्रयास को छोड़ करके अभी हम आपकी शरण में आना चाहते हैं। और ये इस प्रार्थना के साथ जब हम भगवान का नाम लेते हैं, प्रसाद सेवन करते हैं, नृत्य करते हैं, श्रवण करते हैं भगवान के विषय में, भगवान का गुणगान करते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। और आध्यात्मिक प्रगति इस कलयुग के अंदर छोटे से हमारा समय है, किसी की आयु 20 साल 30 साल 40 50 60 मैक्सिमम 70, उस छोटे से समय में भी हम इसी जीवन के अंदर ये जो सब यहाँ बताया है इससे भी ऊपर भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल संभव है, और हम देख रहे हैं भक्तों को जो ऐसे हरे कृष्ण कीर्तन गंभीरता से करते हैं, इसी जीवन के अंदर वो अनासक्त हो जाते हैं और भगवान के प्रति बहुत आसक्त हो जाते हैं, अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं, और बहुत सब प्रलोभन है लेकिन फिर भी वो कृष्ण के पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि उनको अन्य कोई चीज़ नहीं भ्रमित कर सकती है। तो ये कमाल है ना, कैसे हुआ, उनको कृष्ण आकर्षित कर रहे हैं हरि राम संकीर्तन से, ये हो रहा है। तो ये सब हमारे लिए अभी उपस्थित है, ये सब सुलभ है, तो ये ही ये आंदोलन है, ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन है, जिसमें हम लोग सब सौभाग्यशाली हैं कि हम भाग ले रहे हैं। तो इसलिए बहुत सरल है इस कलयुग के अंदर भगवत धाम जाना। ये कलयुग इसलिए बड़ा महान है, इसलिए कलयुग का गुणगान किया गया है। सभी युगों में तो बाकी लोग को बहुत चीज़ करनी आसान थी, इसलिए उनका हरिनाम की तरफ ध्यान नहीं जाता था, है ना, क्योंकि बहुत और कुछ कर सकते थे, लेकिन अभी इस युग में और कुछ तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमारा ध्यान आसानी से इस हरिनाम की तरफ आता है। तो इसलिए हमें उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, और पूरे उत्साह के साथ अपने जीवन में निर्णय लेना चाहिए कि हम अपना जीवन समर्पित करेंगे हरि नाम की सेवा में, भगवान नाम की सेवा में। हरि नाम क्या है, भगवान है ध्वनि के रूप में। जब हम हरे कृष्ण बोलते हैं तो वो कृष्ण हैं, हम भी हमें दिख नहीं रहे क्योंकि हम अंधे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी शुद्धि होगी तो हम हरे कृष्ण जब बोलेंगे तो हम कृष्ण को देखेंगे, कृष्ण का साक्षात्कार करेंगे। तो इसलिए हमें हरि नाम की शरण ग्रहण करनी है, भगवान की शरण ग्रहण करनी है। तो नियमित रूप से हरे कृष्ण जप करना है, नियमित रूप से भगवत गीता, ये भी कृष्ण है, जब हम नियमित रूप से पढ़ेंगे श्रवण करेंगे तो हमें यहाँ कृष्ण दिखेंगे, ये कृष्ण है ना, अभी हमें अनुभूति नहीं हो रही है, वहाँ भी कृष्ण है, वो भी हमें अनुभूति नहीं हो रही, क्योंकि हमारी इंद्रियाँ अभी क्या हैं, डल हैं, आवरण चढ़ा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे आवरण हटेगा हम सब जगह पे कृष्ण का तुरंत अनुभव कर सकेंगे, कम से कम पहले हरि नाम में कृष्ण का अनुभव कर सकेंगे, सबसे पहले ये होगा। तो
तो ये सब योग साधना है, इसलिए भगवान ये सब योग साधना भगवान बताए कि ये भी तरीका है। लेकिन अंत में जो संदेश है भगवद्गीता का वो यही है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आइए। हरे कृष्ण। इस संदर्भ में विषय में किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन क्वेश्चन, अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है और वो अपनी भक्ति कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उसका क्या? अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है और वो अपनी भक्ति कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उसका क्या होता है? तो नेहा भिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान भगवद्गीता में बताते हैं इस भक्ति प्रोसेस का, पद्धति का कभी भी नाश नहीं होता है, और इस पथ पर जो थोड़ी सी भी प्रगति करता है उसे अगले जीवन में मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, और दोबारा से उसे वो भक्ति को आगे जहाँ से छोड़ा है वहीं से आगे कंटिन्यू करने का अवसर प्राप्त होता है। तो इसलिए अगर किसी की मृत्यु हुई और वो भक्ति पथ को पूरा नहीं कर पाया तो उसमें कोई लॉस नहीं है, क्योंकि वहीं से ही भगवान हमें दोबारा से वो मति देते हैं, है ना। क्या है वो, रियतोपि सह तत्तम बुद्धि संयोगम लब्ध्वा पूर्व देहिकम, उसको पूर्व देह से वो बुद्धि संयोग दोबारा प्राप्त होता है, उसको वो बुद्धि प्राप्त होती है जो उसके पूर्व देह में उसने की थी, और यततोपि ततो भूयः, और वो दोबारा से फिर यतन करना शुरू करता है और आगे बढ़ता है। तो इसलिए इसमें कोई नुकसान नहीं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, इससे जल्दी से जल्दी भक्ति पथ पे को पूरा करने का प्रयास करें। पूरा मतलब क्या, भगवान के साथ हमारी जो संबंध है वो पूरी तरह से स्थापित हो जाए, हम प्रगाढ़ रूप से भगवान की सेवा की वृत्ति हमारे अंदर आ जाए, ये परिपक्वता है। और कोई प्रश्न? साक्षात्कार है कृष्ण को समझना, कृष्ण को जानना, कृष्ण को अनुभव करना। साक्षात, इस शब्द का अर्थ क्या है? सा अक्ष, अक्ष आँखों से भगवान को देखना, साक्षात। तो जब हम आध्यात्मिक नेत्र को प्राप्त होते हैं तो हम भगवान का दिव्य दर्शन करते हैं, वो है साक्षात। और देखना उससे पहले अनुभव करना भगवान के साथ अलग अलग प्रकार से संबंध को, ठीक है। यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय।